ओके, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इतना टाइम गुड मॉर्निंग बोलने को, ये गुड मॉर्निंग फास्ट यार। गुड मॉर्निंग, ओके, सो आई एम ऑडिबल, सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टिल यू नो मेनी हैव नॉट कम, भार्गेश, अफीफ, आलोक, जीतो, ओम, रोशनी हैव कम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट रकम किया था 0.5 मिलीमीटर वाला आंसर था ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, आपका पेज नंबर अलग होगा। मैं चाहता हूं रोशनी आप रीड करेंगे क्वेश्चन 49। एक मिनट, अ कंपोजिट वायर वाला, अ कंपोजिट वायर। यस बच्चों, रोशनी A composite wire is prepared by joining a tungsten wire and steel wire end to end. Both the wires are of the same length and the same area of cross section. This composite wire is suspended to a rigged support and a force is applied to its free end. It gets extended by 3.25 millimeters. Calculate the increase in length of tungsten wire and steel wire separately. Why for tungsten and why for steel are given? No need to read value. Okay. मैं आपको problem समझाता हूँ. I am going to ask one of the student what the problem is. मैं problem और ये problem बहुत commonly आता है. Mark this problem is very important. JEE NEET सभी में आता है ये problem. देखो, एक था composite wire. Composite यानी दो wire का बना हुआ. और दूसरा वायर था स्टील का, लेट्स से ये था स्टील का वायर, लेट्स से ब्लू का वायर था, ये स्टील वायर, ये स्टील का वायर। मैं एक एक करके बताऊंगा, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। हाँ बोल। सो मैं एग्जाम दूं कि नहीं? ये मत देना, मैंने बात कर लूंगा, संभाल ले, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है सर, डोंट वरी। बोथ आर ऑफ द सेम लेंथ, यानी इसकी लेंथ अगर L तो इसकी भी लेंथ L, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, मतलब इसका जो रेडियस है वही इसका रेडियस है, इसका रेडियस A तो इसका भी A, इसका एरिया A। इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट से इसको सस्पेंड कर दिया, रिजिड सपोर्ट से, ऑल राइट, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, इसके नीचे एक जबरदस्त फोर्स लगा दिया हमने, इसके नीचे, इस वायर के नीचे एक फोर्स लगा दिया, ऑलराइट, एक फोर्स लगा दिया इस वायर के नीचे, तो वायर गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 मिलीमीटर। ओहो, मतलब ये वायर की खिंचाई हो गई, दोनों वायर की मिलके खिंचाई हो गई 3.25 मिलीमीटर, दैट एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज गिवन, स्मॉल एल, this 3.25 millimeter has been given by them. All right. वो लोग बोलते हैं हर एक का extension कितना हुआ होगा? इस total extension में tungsten ने कितनी खिंचाई और steel की कितनी खिंचाई हुई होगी? Y for tungsten and steel are given. Y की value tungsten की है. You can say, I am going to ask you what the problem is. Y टंगस्टन की वैल्यू है बच्चों 4.1 × 10⁻¹⁰ पास्कल, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिख के रखो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको टर्म की दी है, एंड बाय फॉर स्टील इक्वल टू 2 × 10⁻¹⁰ पास्कल, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो, बोलते हैं कैलकुलेट increase in length of tungsten wire and increase in length of steel wire. अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक बार किसकी आवाज आ रही है, एक बार एक रिजिड सपोर्ट था, दो वायर थे, एक टंगस्टन का था एक स्टील का था, दोनों की लेंथ सरी की, दोनों का एरिया मतलब जो गोलाई या मोटाई वो दोनों के एग्जैक्टली सेम मोटे, कोई जाड़ा नहीं कोई पतला नहीं, दोनों सेम पतले सेम मोटे, बोल रही, और एक दूसरे के पीछे कनेक्ट कर दिया,
एक के पीछे दूसरा टंग, स्टील ऊपर और टंग से उससे फर्क नहीं पड़ता है, और फिर उनके नीचे लगाया एक फोर्स, तो ये दोनों वायर धीरे धीरे ये खींचेगा ये भी खींचेगा, दोनों खिंचाई तो टोटल खिंचाई हो गई 3.25 मिलीमीटर, ऑफ कोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब जब हटाएंगे तो 3.25 मिलीमीटर चला जाएगा, ये अंडरस्टैंड, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर। वो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल खिंचाई कितनी हुई, स्टील की कितनी खिंचाई हुई और टंगस्टन की कितनी खिंचाई हुई, खिंचाई यानी एक्सटेंशन ऑफ ईच वायर इज हाउ मच, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड आई वुड लाइक भार्गेश, भार्गेश मुझे प्रॉब्लम बताओ। सर एक रिजिड सपोर्ट था और एक वायर था जो टंगस्टन और स्टील वायर से बना था, वो एंड टू एंड थे सर, दोनों वायर का लेंथ भी सेम था और एरिया भी सेम था। बहुत अच्छा। सर जब जब हमने एंड में फोर्स लगाया तो 3.25 मिलीमीटर से एक्सटेंड हो गया, हमको फाइंड करना है कि टंगस्टन वायर कितना एक्सटेंड हुआ और स्टील वायर कितना एक्सटेंड हुआ। माय गॉड आई लव यू बर्गिस, आई लव यू, बहुत प्यारा आंसर दिया तुमने, बहुत प्यारा, और दोनों को बाइक दिया हुआ। अच्छा मुझे बताओ यहाँ क्या लिखू मैं, यहाँ भी यहाँ एनीवन हु कैन टेल मी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, व्हिच सिंबल, व्हाट आई शुड राइट, एनीवन, स्मॉल एल, स्मॉल एल एंड स्मॉल एल, टेल मी ऑल ऑफ यू एग्री, दोनों का स्मॉल एल ढूंढना है। एक चीज मिसिंग है छोटी सी, रोशनी क्या मिस कर रहे हैं हम लोग, अरे यार बोलो ना, इजी है, कितना इजी है, इधर क्या लिखूं मैं, एल क्या लिखूं, चलो एक हिंट देता हूँ, इधर प्लस लिखता हूँ, आप बताओ, आप बताओ क्या लिखो, सर बिग एल प्लस स्मॉल एल, वेरी बैड आंसर, वेरी बैड आंसर, बट ऑफ कोर्स यू ट्राई, दैट इज ऑलवेज गुड। अरे इसकी खिंचाई प्लस इसकी खिंचाई, इसका एक्सटेंशन और इसका एक्सटेंशन मिलके ये है ना, टोटल इतना है ना, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इसने भी दिया और इसने भी दिया, तो बताओ क्या लिखो, एल ऑफ टंगस्टन, हाँ यार राइट राइट, अफीफ बोल, सो स्मॉल एल ऑफ टंगस्टन एंड स्मॉल एल ऑफ स्टील, दैट्स लवली आंसर, लवली आंसर, आई लव इट, आई लव इट बच्चे, अरे एक्सटेंशन ऑफ स्टील प्लस एक्सटेंशन ऑफ टंगस्टन इक्वल टू 3.25 इनटू 10 टू माइनस 3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1, वाई का फॉर्मूला विल बी टेल टू मी बाय, फर्स्ट टाइम आई आस्किंग कौन एंड कुरेशी, कौन एन, वाई का फॉर्मूला बोल, एफ एल अपॉन ए एल, एफ एल अपॉन ए एल, फिल मी एग्री, क्यों खोल, क्या, अरे कुछ नहीं सर, आपको नहीं बोल देती, अच्छा ये एग्री है कि नहीं करती हुई है, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, कौन एन, नहीं, क्या रॉन्ग है, एफ कैपिटल एल होता है ना, ऐसा बोलो ना मेरे को, ऐसा बोलो ना बच्ची, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा मुझे बताओ क्या फोर्स सेम है दोनों वायर के ऊपर, सेम फोर्स अप्लाई किया है कि अलग अलग जुदा जुदा, सेम फोर्स अप्लाई किया है दोनों के ऊपर, सेम फोर्स है, एफ कॉन्स्टेंट है, डू यू एग्री, एक वायर लंबा है ना थोड़ा ज्यादा, लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर बढ़ा है कि स्टील वायर बढ़ा है, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, सर दोनों सेम लेंथ के हैं, तो एल बी कॉन्स्टेंट है, एरिया किसका मोटा है, मोटा वायर कौन सा है दोनों में, सर वो भी सर कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिखो, अगला स्टेप मुझे बताओ, देयरफॉर व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखो, सर वन अपॉन स्मॉल एल, दैट्स लवली आंसर, बहुत प्यारा आंसर है, एंड देयरफॉर वाई ऑफ टंगस्टन अपॉन वाई ऑफ स्टील equal to L of tungsten upon L of steel. Tell me, all of you agree? Bolo, bolo. Sir, L of S upon L of steel. That's lovely answer. Bahut achha answer hai. I love it. But I think this was the new voice. Kiski voice thi ye? Who said this?
प्रिशा, I really clap for you. क्यों कभी कभी तुम बंद कर देती हो बोलना अचानक से? वेरी गुड आंसर. Y of tungsten is 4.1. Y of steel is 2 equal to LS upon LT. And therefore, LS equal to 2.05 LT. This is less equation number 2. Solve 1 and 2. And get LS equal to kuchu kuchu. LT equal to kuchu kuchu. I'll tell you what is that kuchu kuchu. LS equal to, as I have 1.5. LS equal to, as I have. किसने बोला था पास का? नाम क्या इसने पाल ने. पाल ने बोला. 2.186. और इसको LT को बोलो 1.064. एक बार और रूलर मारो कि समझ गए हो बच्चे लोग. प्यारे बच्चों, समय को नहीं समझा. ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ. पहले ये प्रॉब्लम समझा कि प्रॉब्लम ही नहीं समझा? कोनन, मैं लेट टाइमर को प्रॉब्लम ही नहीं मानूंगा. आई डोंट लाइक लेट कमर को, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा. कौन थी? अरे सर, मैं बुक ढूंढ रही थी. नहीं नहीं, वॉट एवर यू शुड डू, डू इट बिफोर. आई डू नॉट लाइक, नहीं तो हर आदमी आके बोलेगा लेट आया था, जरा रिपीट करो सब. क्लास का नुकसान होता है. I will not do it. Sorry. वाह, लेक्चर के बाद मेरे को फोन करना, मैं बता दूंगा. हाँ हाँ ठीक है. सब बुक ढूंढना, ये सब करना, मैं कैसे अरेंजमेंट कर लेता हूँ? 8:30 से चालू कर देता हूँ. कैमरा अरेंज करना, लैपटॉप अरेंज करना, एवरीथिंग. एंड आई वेट 8:55 से चालू हो जाता हूँ सामने खड़ा रहकर कि 9 कब बजे. व्हाई डोंट यू डू दैट लाइक दैट? सर मेरी मैथ्स की बुक निकली हुई थी. व्हाटएवर यू शुड डू, रात को तैयारी कर लो. मैं क्लास का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा. सब आगे आएंगे लेट, बोलेंगे अभी मैं लेट आई रिपीट. कोई आएगा बोलेगा मैं लेट आया अभी रिपीट करो. फिर भी मैं तुमको लेक्चर के बाद फोन करना, आई हेल्प यू. ओके, तो देखो और किसी को प्रॉब्लम लेट आने वाले के बदले? एनीवन विधि, हैव यू फॉलोड? नो सर. यस सर. क्या सर? वो तो सब मैं बोल रहा था. जी सर. मतलब नो सर, नॉट फॉलोड? मतलब नहीं सर, फॉलोड फॉलोड. नो सर क्यों बोलते हो? ओके, तो ये हो गया, ये वाला प्रॉब्लम. अच्छा एक चीज मेरे को यार इसके दिमाग में आती है कि ये दोनों में ज्यादा खिंचाई किसकी हुई? ज्यादा खिंचाई किसकी हो गई बेचारे की? स्टील की ज्यादा खिंचाई हुई या टेंशन की? किसकी ज्यादा? अच्छा स्टील ने क्या गुना किया कि स्टील की ज्यादा खिंचाई हुई? एनीबडी कैन टेल मी? हमको सपोज प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ही मालूम पड़ जाए कि कौन ज्यादा खींचने वाला है, तो चार ऑप्शन है तो हमको पता चल जाए कि भाई स्टील की तो खिंचाई ज्यादा होने वाली है, और चार आंसर में एक ही आंसर में स्टील की खिंचाई ज्यादा वाला हो, तो कोई बताएगा मुझे कैसे पता चलेगा यार कि स्टील ने क्या गुना किया? ऐसा क्या गुना किया स्टील ने? Because sir, the young modulus of steel, it's less than of sir tungsten. I love it. I love you, Afif. I love you. This is what. देखो, बाकी सब constant है. तो y का relation l के साथ. जिसका y कम होगा, उसका l ज्यादा होगा. जिसका y ज्यादा होगा, उसका l कम होगा. ये दोनों का y देखो. Steel और tungsten का almost double है, double stronger than steel. Tungsten is powerful. इसलिए obviously जो weak होता है उसका extension ज्यादा होगा. तो देखो extension का इसका ज्यादा है. It is more than double. 1.06 का double is 2.12. उससे भी ज्यादा है क्योंकि y उसका double से ज्यादा है. दो दूनी चार, चार double से ज्यादा, तो ये भी double से ज्यादा. This is the way you should think. Analyze the problem. मजा आएगा पढ़ाई करने का फिर. You know, ऐसे सब क्वेश्चन लाने का, स्टील का क्यों ज्यादा हुआ यार, स्टील ने क्या गुना किया, तो यू नो ऐसे करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है. तो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं.
Yes, sir. You like to solve problem or you love theory only? क्या है सिचुएशन बच्चों की? सर हम लोग को पढ़ने ही पसंद नहीं है, हमको पढ़ने को ही अच्छा नहीं लगता है सर। चलो ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलो ओके, अगला प्रॉब्लम मैं आपको बोलूंगा वो अलग करेंगे। चलो नंबर 50, नंबर 50, द लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीजेस बाय, जीतू रीड करो। द लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीजेस बाय 9 मिलीमीटर व्हेन द वेट ऑफ 2.5 kg is hung from the free end of wire. If all conditions are kept the same, the radius of wire is made thrice the original radius. Find the increase in length. अच्छा देखो अब मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, ध्यान से सुनो। यू कैन राइट द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाय 9 मिलीमीटर, व्हाट शुड आई राइट हियर? इंक्रीजेस बाय 9 मिलीमीटर, यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? सर स्मॉलर, दैट इज राइट। और मास ऑफ 2.5 kg, देयरफॉर व्हाट इज फोर्स? एनीबॉडी? सर इनटू 9.8, सर इनटू 9.8। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे। और यूनिट क्या होगी? यूनिट सर न्यूटन। दैट्स लवली। ओके, इफ ऑल कंडीशंस आर केप्ट सेम, देखो ऑल कंडीशंस सेम यानी बाकी सब कुछ सेम एक्सेप्ट रेडियस इज मेड थ्राइस द ओरिजिनल रेडियस, थ्राइस यानी थ्री टाइम्स। व्हाट शुड राइट? आर वन इक्वल टू थ्री आर टू और आर टू इक्वल टू थ्री आर वन? रेडियस इज मेड थ्राइस, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ये मैं बहुत फंस जाता हूँ इसमें। R1 is 3R2 और R2 is 3R1, क्या लिखूं? सर R2 3R1, R2 is 3R1, और कोई? मार्ज, व्हाट अबाउट यू? मार्ज ओम, अरे कुछ तो बोल मार्ज। मास ने बोलना बंद कर दिया। मास इक्वल टू ओम मिस्त्री इक्वल टू, नहीं प्रिशा तो आज बोली आर टू इक्वल टू थ्री आर वन, तो इसको हम लोग एल वन एम वन दे देते हैं। ओके ओके, एल टू पूछा है ऑल कंडीशंस केप्ट सेम यानी क्या? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक था वायर, ये सपोज वायर नंबर वन, उसके ऊपर जब 2.5 kg लगाया यानी कि इंटू 9.8 न्यूटन लगाया तो उसकी खिंचाई हो गई यानी एक्सटेंशन हो गया 9 मिलीमीटर से। एक अनदर वायर, ऑल कंडीशंस केप्ट सेम यानी लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, फोर्स के बारे में भी कुछ बोला नहीं, तो फोर्स सेम, खाली उसकी रेडियस 3 गुना कर दी, मतलब जरा मोटा वायर 3 गुना मोटा यानी इसकी रेडियस 1 मिलीमीटर तो इसकी 3 मिलीमीटर लाइक दैट। इसका एक्सटेंड कितना होगा? अगर इसका 9 मिलीमीटर तो उसका एक्सटेंशन कितना? दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। मुझे आलोक प्रॉब्लम बता। आलोक बेटा खाली प्रॉब्लम बता, आई डू नॉट वांट सॉल्यूशन। क्या है सिचुएशन? सो हेलो, हाँ बोल बेटा, बोल। सर वायर है, वायर पे वेट लगाया तो उसका एक्सटेंशन हो गया 9 मीटर और साइड में वायर लगाया उसमें 3 मिलीमीटर फैट है, उसका वायर का कितना फोर्स इंक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। हाँ, देखो इसमें है ना बेटा, मिलीमीटर है, मीटर नहीं है, 9 मिलीमीटर। हाँ सर मिलीमीटर। हाँ तो ये होने के बाद लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। y का फॉर्मूला विल बी टोल्ड टू मी बाय ओम मिस्त्री। शायद भाग गया लगता है। ओम मिस्त्री, ओके आलोक y का फॉर्मूला बोल।
So F capital L upon A small l. अच्छा A के बदले मुझे कुछ लिखना चाहिए, रेडियस की बात चल रही है. पाई आर एल. नहीं, पाई आर स्क्वायर. हाँ, पाई आर स्क्वायर एल. और हमारा हीरो कौन है इस प्रॉब्लम का? हीरो Who is the hero of the problem? L square. Small L square. So small L. Small L square. L equal to FL upon pi r square by. Therefore L ka idhar kaun batayega mujhe? Kya karun? Kya na karun? What should I write on the right hand side? What should I write on the right hand side? Who can tell me now? Bahut situation clear hai. Ab mujhe batao. कि मुझे ये लिखना चाहिए ये नहीं लिखना चाहिए, कौन बता देगा? That's lovely answer. Lovely answer, Prisha. I love it. L2 by L1 equal to क्या लिखो? L2 by L1 क्या लिखो? Afif, तुम बोलो. विधि सर, R1 by R2. So L2 will be 9 into 10 raised to minus 3 upon 9. 9, 9, cancel. That is 10 raised to minus 3 meter. Or L2 is 1 into 10 raised to minus 3 meter. Yani ke 1 millimeter. 1 millimeter is the answer. Copy this down. Ek bar aur repeat karo ki samajh gaye ho bachcha. Om Mistri Kali, yes bol, yes no. Om Mistri. मेरी ख्याल से वो भाग जाता है ये इस पे आके. यस सर. अरे है. ओके है. ओके क्वेश्चन पूछो तो यस नो नहीं आता है, वैसे यस बोल देता है. गुड गुड. हाँ, कॉपी कर लिया आपने सभी ने. अब मैं आगे प्रॉब्लम के पे जाने के पहले कुछ बातें पूछना चाहता हूं. हाँ, ये कॉपी कर रही है सभी ने, तो अगले प्रॉब्लम की तैयारी करते हैं हम लोग. नहीं, ये जाने दो, ये सब नहीं लिखता हूं मैं. खाली मुझे लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला कौन बताएगा क्लास में? कॉपी किया आप सभी ने? सभी ने कॉपी किया बच्चे लोग? प्लीज टेल मी. यस सर. ओके, अब है ना मुझे अगले प्रॉब्लम की ओर जाने के पहले, ये सिग्मा किसका सिंबल था?
इस चैप्टर में सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. बैड आंसर. Bad answer. No, sorry, sir. It's a Poisson's ratio. Yes. That's right answer. That is right answer. Poisson's ratio का formula यानी आपका definition क्या था? What ऊपर, what नीचे? रोशनी? Oh, रोशनी. Sir, lateral strain upon longitudinal strain. My God, that's a great answer. I really like your answer, रोशनी. Lateral strain upon longitudinal strain. अच्छा ये longitudinal strain का कोई दूसरा नाम था क्या? दूसरा कोई नाम था? प्रिशा? मास इसका दूसरा नाम कोनन? टेंसाइल. That's right. बहुत अच्छा आंसर बेटा. बहुत अच्छा आंसर. अच्छा खाली मुझे इतना चाहिए था. अब हम चलते. अच्छा lateral strain. ओके चलो ठीक है. लेट अस कम टू अ प्रॉब्लम नंबर. मैं कहता हूं कि 53 पे आ जाओ. 5353 व्हिच स्टार्ट्स विद अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल. मुझे पड़ेगी रोशनी पढ़ो जरा. स्टील वायर. अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर. नो 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 2 मिलीमीटर स्क्वायर वाला. स्ट्रेस्ड बाय 10 न्यूटन. ये कहाँ पे है आपका जरा देखो. सर 216. हाँ 216 पेज नंबर. पेज नंबर 216 पे रोशनी पढ़ो. और स्टील वायर है भी क्रॉस सेक्शन ले गया 2 मिलीमीटर स्क्वायर. सर आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन. 53 क्वेश्चन. 53 नहीं मिला रोशनी. हाँ आया ना. और जीतू तुम पढ़ो. स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेस्ड बाय 10 न्यूटन्स. फाइंड द लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द वायर. फॉर स्टील Find the lateral strain produced in the wire given y for steel is given. Y लिखता हूँ करें. एक ही है, दो अलग अलग नहीं है, तो y लिखते चले. Is 2 × 10^11 newton per meter square and Poisson's ratio sigma is 0.29. हमको चाहिए lateral strain. हमारा जीरो है lateral strain. अब ना प्रॉब्लम को हम लोग काट छाट करते हैं. मैं प्रॉब्लम बताता हूं. आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. ध्यान से सुनिए. एक स्टील वायर था, उसका एरिया दिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर. उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, खींचा. वाई की वैल्यू दी हुई है. ये सिग्मा क्या है? सिग्मा सिग्मा पॉइजन रेशियो इज दिया 0.29. हमको बोला लैटरल स्ट्रेन क्या होवेगी. अब मुझे प्रॉब्लम बताएगा पहले ओम मिस्त्री. प्रॉब्लम बता. ओम मिस्त्री प्रॉब्लम बता. इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड वेदर टू आंसर और नॉट. सीरियसली दिस इज द ट्रबल मेकर प्रॉब्लम बच्चा. ओके अभी मुझे ये आंसर देगा भार्गेश. प्रॉब्लम बता. यस सर. सर एक स्टील वायर रहता है, उसका एरिया 2.2 मिलीमीटर रहता है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर. और वो 10 न्यूटन से स्ट्रेच होता है. नहीं, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेच थोड़ी होता है. 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो 2 मिलीमीटर स्ट्रेच होता है. हमें उसका लैटरल स्ट्रेन फाइंड करना है. 1 मिनट 2 मिलीमीटर स्ट्रेच होता है, दिया है, मैंने नहीं लिखा. यस सर. कहाँ दिया 2 मिलीमीटर स्ट्रेच होते हैं? स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्ट्रेच बाय 10 न्यूटन. 10 न्यूटन यानी फोर्स अप्लाई किया उतना. मिलीमीटर का लिखा है, 2 मिलीमीटर खाली. बेटा 2 मिलीमीटर दिया ही नहीं है, स्ट्रेच नहीं दिया है, स्मॉल एल नहीं दिया है. आगे पढ़ो.
फाइंड द नहीं हमें उसका लैटरल स्ट्रेन फाइंड करना है जो वायर में प्रोड्यूस हुआ आपको वी हैव टू फाइंड द लैटरल स्ट्रेन तो हमारा मेन हीरो लैटरल स्ट्रेन है तो टेल मी पहले तो एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर आई वांट टू कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर क्या करूं मैं एनीबॉडी 1 मिलीमीटर इज 10^-3 मीटर तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर ये क्या करूं मैं तो भूल गया मेरे को नहीं आता है सो 10^-6 That's right. ये एरिया हो गया नाउ सिग्मा बाय डेफिनेशन सिग्मा इज व्हाट लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल मैं लॉन्जिट्यूडनल लिखता हूँ सपोज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा कितना दिया है 0.29 और देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन ये हमारा मेन हीरो यहाँ पे ले आता हूँ देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन सिग्मा कितना दिया है 0.29 इनटू इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 अभी हमारा मेन हीरो लैटरल स्ट्रेन नहीं हमारा मेन हीरो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है और टेंसाइल स्ट्रेन है डू यू एग्री क्योंकि अगर ये मिल जाए तो उसको 0.29 से मल्टीप्लाई करना हमारा आंसर तो ये है एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू एनी हां या तो वंदना मैम बोल रही है कि पीडीएफ सेंड करो मुझे क्या सेंड करो सो मतलब वो टेस्ट का सब भेजो तो सर उनको मैं क्या मैं बोलूंगी अरे यार मैं लेक्चर के बाद बात करता हूँ ऐसा बोलते हैं ना सर का लेक्चर अटेंड वो ग्रुप में मत लिखना उनको पर्सनल में लिखना नहीं नहीं हां सर ने मेरा नाम पे चिट्ठी फाड़ देना खंडेलवाल सर ने बोला कि वंदना मैडम से बात कर लेंगे यू कंटिन्यू टू अटेंड लेक्चर यूज करते थे हम लोग एनीबडी यू कैन टेल मी व्हाट शुड आई डू ऐसा मैं क्या करूं कि प्रॉब्लम आ जाए Sir, we have to find tensile. Sir, it is tensile strain is small L upon big L. हाँ, but small L भी नहीं है, big L भी नहीं है. Situation ये है कि हमको फंसा दिया ये लोग ने. न small L दिया, न big L दिया और हमको बोला longitudinal strain ढूंढो. Anybody else? You are right ना? Small L चाहिए, big L चाहिए, लेकिन दोनों का ठिकाना नहीं है. बड़े situation में हम लोग गंदी situation में फंस गए. Who can tell me? Roshni? Tum kuch Roshni dalogi isme? So using Young modulus. That's right. Bahut acha. Y ka formula kya hai? Tensile stress upon tensile strain likho ya longitudinal stress ek hi baat hai. Chalo longitudinal strain. Therefore, let me write. Tensile stress ka formula kya hai? Agar F diya, A diya, what is tensile stress? Anybody? F upon A. That's right. F upon A upon longitudinal strain. Therefore, what is longitudinal strain? Equal to kya likho? Anybody? Match hai ye, aur kuch nahi hai. F upon A upon Y. Max है ना ये इधर से इधर ये F upon A कितना है? That is 10 upon area कितना है? 2×10^-6 upon Y कितना है? 2×10^11 और that is equal to that is this two will not get chua multiply हो जाएगा that is equal to 0.5 × 10^7 upon 2×10^11 or that is 0.25 ka tha 0.25 into 10^-4 or meter ya centimeter
have taken everything in meter, no? So I should write meter or centimeter? Is that kya likhu? That's very bad answer. Strain has no unit. We are getting strain. Strain ka unit nahi hota. Oh, bachcho. All right, now we substitute this in one. और यहां पे लिख देता हूं मैं एंड देयरफॉर सॉरी लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू 0.29 इनटू 0.25 इनटू 10 टू माइनस 4 और जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर ये बोलो ये तो बताना पड़ेगा आपको 7.25 इनटू 10 टू माइनस 6 इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब सर नो यूनिट नो यूनिट अगेन वेरी गुड विधि एनी स्ट्रेन नेवर हैज एनी यूनिट बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सेम डायमेंशन चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ लाइक दैट एक बार फिर से मैं रूलर मारता हूं तो थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू एक बार कॉपी मार लो फिर मैं आपको रिपीट करके प्रॉब्लम बताता हूं कोलन हैव यू फॉलोड कोलन कुरेशी आलोक कोलन आलोक सर वो 10 रेज़ टू माइनस 6 कैसे आया एक मिनट ये कैसे आया ना ये जो मिलीमीटर स्क्वायर अच्छा हाँ दैट इज चलो मैं बताता हूँ देखो 1 मिलीमीटर कितना होता है बेटा 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है 1 मिलीमीटर कितना होता है वेरी गुड क्वेश्चन आई लव द क्वेश्चंस 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है विधि तुमने पूछा था ये विधि नहीं सर मैंने पूछी थी कोनन किसने पूछा फिर कोनन ने कोनन 1 मिलीमीटर माइनस 3 मीटर ये पता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी 10 टू माइनस 3 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर यानी 10 टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर वेरी गुड क्वेश्चन कोनन कुरेशी ओ कोनन हाय सर अंडरस्टूड हाँ समझी मैं एक बार रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम देखो एरिया को मैंने पहले कन्वर्ट किया बाय द मेथड दिस मेथड By definition, sigma is lateral strain upon longitudinal strain. हमारा main hero lateral strain था. Therefore, lateral strain is sigma into longitudinal strain. Sigma की value 0.29, 0.29 into longitudinal strain. Equation number one. अब है ना, हमको ये चाहिए. Longitudinal strain ऐसा कि अफीफ ने बोला small l upon capital L. हम लोग ढूंढते रहे, सब पागल हो गए. बोले, है ही नहीं, क्या करे? फिर हमको याद आया, यार, y तो हमने use ही नहीं किया. Y, F, A तीनों का use नहीं किया. तो y का formula क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल के बदले मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा क्योंकि यहां पे मैच हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला है अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ट्यू ट्यू यहां ले आया वाई को ट्यू ट्यू यहां ले लिया दैट इज एफ अपॉन ए अपॉन वाई एफ इज 10 न्यूटन एरिया 2 इनटू 10 टू माइनस 6 अपॉन वाई इज 2 इनटू 10 टू 11 एक्चुअली इधर मैंने क्या किया